हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनविजिबल बाबा में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस तुरंत मिल जाएं। तो आपका कोई बिजनेस है या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर आप किसी कंपनी के एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, यानी कि आप कुछ भी बेचते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है। कस्टमर बिल्कुल भी आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है, आपका काम चल ही नहीं रहा है, तो ये वीडियो आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी। और गारंटीड, अगर आपने ये वीडियो पूरी की पूरी देख ली तो 100% आपकी सेल्स क्लोज होनी शुरू हो जाएंगी और आपके कस्टमर्स की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो है बेस्ट, लेकिन तब भी कस्टमर आपके पास नहीं आता। इस चीज को जानने के लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल से क्या होगा कि हम सबको अच्छे से समझ आ पाएगा कि हमें क्या करना है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मान लेते हैं एक मार्केट है, उस मार्केट में 4-5 फास्ट फूड की दुकानें हैं, यानी कि चौमिन, मोमोज, स्प्रिंग रोल्स, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। और आपने देखा होगा, अधिकतर ऐसा होता ही है कि समझो उन 6 दुकानों में से एक या दो दुकान अच्छी खासी चलती है और बाकी की बाकी सारी की सारी खाली रहती हैं। मतलब कोई कस्टमर ज़्यादा नहीं जाता वहाँ पे, इक्का दुक्का कस्टमर कोई तुक्के से आ गया नया नवेला तो अलग बात है। और अधिकतर हर बिजनेस में, हर मार्केट में, हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। आपकी दुकान के बगल वाली दुकान दनादन चल रही होती है लेकिन आपकी दुकान पे कस्टमर नहीं होता। क्वालिटी आपके पास भी वही है या उससे बेटर भी है कई कंडीशंस में, लेकिन आपके पास कोई कस्टमर नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? इन सारी बातों का सिर्फ एक ही रीज़न है, सिंपल रीज़न है, एक शब्द का रीज़न है कि वो आपको नहीं जानता। हाँ जी, आपका कस्टमर जो दूसरी दुकान पे चढ़ा हुआ है या किसी और की सर्विस ले रहा है या किसी और बंदे से कोई सामान खरीद रहा है लेकिन आपके पास नहीं आ रहा, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो आपको नहीं जानता। और हम अधिकतर जान पहचान में ही काम करते हैं या जान पहचान के ही बंदे से ही सामान खरीदते हैं। जानते हैं कैसे? समझिए, अब उसी मार्केट में जिसमें चौमिन मोमो मिलते थे, मैं आज तक कभी नहीं गया था वहाँ पे, और मेरा एक फ्रेंड मेरे को वहाँ पे लेके चला गया। उसने कहा चल यार तेरा कुछ खा के आते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरे को एक दुकान से, उन 6 दुकानों में से जो 2 दुकानें चल रही थी उनमें से किसी एक में वो मुझे लेकर चला गया। और मैं गया क्योंकि मैं तो अननोन था, मैं अपना डिसीजन नहीं लूँगा, मैं उसी की बात मानूंगा वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। तो मैं उसके साथ उन दोनों में से एक दुकान में ले गया वो मुझे। उसने वहाँ पे मुझे स्प्रिंग रोल्स खिलाए, हमने कोल्ड ड्रिंक पी, हमने नूडल्स खाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा उसका टेस्ट। हम लोग वहाँ से आ गए। फिर कभी क्या हुआ, समझो मैं अकेला जा रहा था उस रोड से, मैंने कहा हाँ यार चलो कुछ मोमो मोमो खा लेते हैं। तो फिर मैं उस शॉप में दोबारा चला गया। फिर कल के दिन कोई और मेरा फ्रेंड या कोई मेरे भाई बहन या फिर कोई, समझिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड है अगर, तो वो मेरे को बोलती है कि हाँ मेरे को नूडल्स खाने हैं या कुछ आउटिंग पे चलते हैं। तो मैं कहता हूँ हाँ यार वो बंदा बहुत अच्छा है, उससे खा लेते हैं। तो समझो एट एन एवरेज मैं वहाँ पे 10 लोगों को अपने साथ ले गया 6 महीने के अंदर। तो आगे क्या होगा कि वो जो 10 लोग थे उन लोगों को भी नहीं पता, तो वो भी आगे अपने जानने वालों को रेकमेंड करेंगे या साथ में ले जाएंगे, या फिर समझो कई बार क्या होगा जिसको मैं अपने साथ ले गया था वो कल के दिन अपने घर के लिए पैक करा के ले गया और उसके घर में सबको अच्छा लगा, घर वाले ने कहा कहाँ से लाया, तो उसने कहा मैं वहाँ से लाया। तो उस बन वो तभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ना एक सर्कल बनता चला जाता है और ये सर्कल खूब ज़्यादा बड़ा हो जाता है जान पहचान का। तो फिर एक माइंड में एक बात आ जाती है कि हाँ मैंने इससे खाया, मैं इस पे जाऊँगा। आजकल लोग नए लोगों को ट्राई नहीं देना चाहते, और ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों दुकानें उन 6 दुकानों में से बेस्ट होंगी। वो दोनों दुकानें क्या पता उन 6 दुकानों में से सबसे हल्का टेस्ट हो उनका, सबसे हल्की क्वालिटी हो उनकी, लेकिन वो दुकानें 2 इसलिए चल गई क्योंकि वो जान पहचान की हो गई थी अब हमारी। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये मानने लग गए थे कि वो 2 दुकानें ही बेस्ट हैं या उनमें से एक बेस्ट है जिसमें कि मैं जाता हूँ या मेरे जानने वाले जाते हैं। अब जानते हैं हम कि हम इस सर्कल को कैसे तोड़ सकते हैं और कैसे उस सर्कल के अंदर घुस सकते हैं। अगर क्योंकि अधिकतर ऐसा ही होता है कि लोग क्या करते हैं, 2-4 दुकानों को चलते हुए देख लिया, ठीक है, या 2-4 लोगों को काम करते हुए देख लिया और वैसा ही कोई काम खोल दिया या वैसा ही कोई शोरूम खोल दिया, दुकान खोल दिया, और फिर खाली बैठे हैं, देख रहे हैं कि सामने वाले की दुकान में तो भीड़ लगी है खचाखच और मेरे पास एक इंसान भी नहीं आ रहा। सामने वाले के यहाँ लोग वेट करने को तैयार हैं लेकिन मैं तो खाली बैठा हूँ, लेकिन तब भी कोई मेरे पास अपना सामान लेने नहीं आ रहा है। इसको तोड़ने का जो तरीका है वो ये है कि आप उस सर्कल के अंदर जाओ, वो सर्कल आपकी तरफ कभी नहीं आएगा। उसकी मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। देखिए, पहली टिप ये हो सकती है कि आप अपना, एक तो आप अपना कोई डिस्काउंट
या डिस्काउंट टाइप की कोई चीज़ निकाले, ठीक है, कि हाँ जी इस चीज़ पर मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो हल्का सा अटेंशन पाएगा आपकी, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं पाएगा उन कस्टमर्स को, लेकिन हल्की सी पाएगी, क्या पता 1000 में से 4 कस्टमर आपके पास आ जाए, हाँ भैया क्या डिस्काउंट है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, अभी इसे साइड में रखो, अभी इसका कुछ करना नहीं है, बताता हूँ इसको कस्टमर्स को क्या करना है। दूसरा आपके पास जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आप उसमें से कोई नीच ढूंढो, यानी कि समझिए अगर उस एरिया में जो 6 दुकानें थी उनमें से एक दुकान हमारी है नहीं चल रही है और 2 दुकानें चल रही हैं वही वाली फास्ट फूड वाली, तो अब मेरे को एक नीच बनानी है, समझो वो चाउमीन मोमो सबके सब 10 तरीके की चीज़ें बेच रहे थे, तो अब मैंने क्या करा, नहीं मैंने कहा मैं ऐसे गंद नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ मोमोज पकड़ लिए और मोमोज में मैंने वैरायटी दे दी, जैसे कि वेज मोमो, नॉन वेज मोमो, तंदूरी मोमो, अचारी मोमोज, ये मोमो वो मोमो, मैंने 15 तरीके के मोमोज की वैरायटी दे दी, तो सिर्फ मैंने जो अपना नीच कर दिया वो एक कर दिया, मैंने मल्टी चीज़ें नहीं रखी उसमें, मैंने एक नीच कर दिया और सारे के सारे हर तरीके के मोमोज मेरे पास मिलते हैं, तो मेरे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि हाँ जो कस्टमर उसके पास जा रहे थे समझिए मोमोज खाने, तो उनमें से कई लोगों का दिमाग अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसके पास तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या 3 तरीके के मोमो मिलते हैं, वेज मिलते हैं, मटन मिलते हैं, चिकन मिलते हैं, लेकिन मेरे पास अचारी भी मिलते हैं, तंदूरी भी मिलते हैं, मुगलाई भी मिलते हैं, ये भी मिलता है, वो मसाला भी मिलता है, बहुत तरीके के मोमोज मिलते हैं, तो सामने वाला ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगा मेरी दुकान की तरफ। तो ये था आपकी टिप नंबर 2, अभी इसे भी साइड रखिए। अब आपके पास 2 तरीके के कस्टमर आ गए, एक डिस्काउंट वाला आ गया, एक नीच वाला आ गया, तो अब आपके पास कस्टमर्स हल्के फुल्के आना शुरू हुए। ये बेस बहुत ही छोटा होगा अभी सामने वाले दुकानदार क्या के कंपैरिजन में, लेकिन अभी हमें इस बेस को ही बड़ा करना है, हमें और नए कस्टमर्स नहीं चाहिए, हमें इनके थ्रू और नए कस्टमर्स चाहिए, इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वो कस्टमर हाँ होते हैं कि जैसे सड़क से निकल रहा है, वो उसने आपकी दुकान देखी, वो जानते नहीं था, वो घुस गया, तो वैसे कस्टमर्स आते हैं तो ठीक है, बट हमें चाहिए जो कस्टमर्स हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं वो लोग हमारे को नए कस्टमर्स रेफर करें, यही है सारा का सारा गेम। इस गेम को समझने के लिए हम पहले ये जानना चाहते हैं कि हमारे माइंड में ऐसा क्या होता है कि हम सब अपने जान पहचान की ही दुकान पर जाना चाहते हैं, मतलब या फिर हम जहाँ कहीं जाते हों ऑलरेडी वहीं पर जाना चाहते हैं। समझिए अगर समझिए मैंने कभी मोबाइल ख़रीदा और मेरा मोबाइल वो ख़राब हो गया और मेरे को पता ही नहीं है कि रिपेयरिंग कहाँ करानी हो, मैं तुक्के से किसी एक दुकान में चला गया रिपेयरिंग कराने और मेरा उन्होंने मोबाइल ठीक ठाक करके दे दिया। फिर समझो मेरे किसी फ्रेंड का मोबाइल ख़राब हो गया, उसने कहा यार मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मेरे भी ठीक करवाना है, कहाँ से होगा, तो मैं चाहे जानता हूँ या ना जानता हूँ उस बंदे को जिससे मैंने ठीक कराया था, मैं उसका ही नाम दूंगा, मैं कहूँगा यार वहाँ पर एक दुकान है ऐसे ऐसे वहाँ चले जा, तो वो बंदा अपने रास्ते की 15 दुकानें छोड़ के मेरी जहाँ मैं भेजूंगा वहाँ 3 किलोमीटर दूर दुकान पे चले जाएगा। तो यही पावर होती है रेकमेंडेशन की, तो इस पावर को कभी भी छोटा मत समझना, यही पावर है जो आपको एक बिजनेस करवाती है और बिजनेस को आगे ग्रो करवाती है। देखिए कस्टमर डरता है, कस्टमर नई दुकान में चढ़ने से डरता है, कस्टमर को एक रिस्क होता है उसके दिमाग में, उसको देखो एक तो ये रिस्क लगता है कि फैमिली का फियर लगता है, समझिए आप अपने घर गए और आप कोई नई तरीके की चीज़ लेकर गए किसी नई दुकान से, आपके घरवाले ने कहा बे क्या ले आया, तेरे को तो लूट लिया, ये हो गया, देख कितनी बेकार क्वालिटी है, ये वो है, तो एक तो फैमिली का फेयर रहता है कि कोई क्या बोलेगा मेरे को कि क्या ले लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा फेयर रहता है फिनेंशियल, कहीं वो कुछ मुझे लूट ना ले, मेरे को महंगी ना दे दे, ख़राब चीज़ ना दे दे, तो ऐसे बहुत सारे फेयर्स होते हैं कस्टमर के दिमाग में। कस्टमर किसी को जल्दी से ट्रस्ट नहीं करता, कस्टमर उसी चीज़ को ट्रस्ट करेगा जिसको वो ऑलरेडी यूज़ कर चुका है। एक एग्जांपल से समझते हैं, समझिए कि हम लोग 4-5 लोग आउट ऑफ स्टेशन या कहीं अपने शहर से थोड़ा दूर किसी आउटिंग पे किसी बीच पे जा रहे हैं, तो मैंने हमारे दिमाग में आया कि यार चलो क्यों ना वहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे और हमारे पास किसी के पास बैट बॉल नहीं है, तो मैंने क्या करा कि मैं एक दुकान पे गया ऐसी रैंडम शॉप पे स्पोर्ट्स शॉप पे, मैंने वहाँ से एक बैट ख़रीदा और एक बॉल ख़रीदी और हम लोग चले गए। अब हम लोग जब वहाँ गए तो हम जैसे ही खेलना ही स्टार्ट हुए देखा कि वो बैट इतना कच्चा था, इतना बेकार क्वालिटी का था कि वो एकदम टूट गया। अब देखो मेरे माइंड में हाँ मेरे को पता है कि वो बैट जो है मेरे को नया मिल जाएगा, यानी कि अगर मैं उस दुकानदार को दिखाऊंगा कि आपने इतना बेकार बैट दिया है, कितनी कच्ची क्वालिटी का है, ये टूट गया, तो वो मेरे को नया बैट दे देगा, मेरे को उस चीज़ की डर नहीं है कि मेरा पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन मेरे को इस चीज़ की इनसिक्योरिटी हो गई कि जिस पर्पस से हम एंजॉय लेने आए थे वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिली और ना ही वहाँ कोई आसपास कोई दुकान है जहाँ मुझे बैट मिल जाएगा और मैं क्रिकेट खेल सकूँगा, तो हम सबका हो गया मूड ऑफ। तो ऐसे दुकानदार में पे हम जितने भी लोग गए थे वहाँ पे 5-6 लोग, उनमें से कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा इन फ्यूचर में और ना मैं खुद कभी जाऊँगा उसके पास बैट बॉल या कोई भी सामान लेने के लिए, चाहे मेरे को 10 किलोमीटर आगे जाना पड़े। तो आप कोई भी अपना आपका कस्टमर हो ये मत सोचिए कि अरे रिप्लेसमेंट तो हम देते ही हैं,
समझिए, आपको चीज़ दे रहे हैं उसमें आपको हल्का सा भी शक हो रहा है यार ये डिफेक्टेड ना हो, पर आपने फटाफट पैक कर दी कि लो सर ले जाओ, आपके दिमाग में आ रहा है कोई बात नहीं ख़राब भी होगी तो हम बदल देंगे इसको, ठीक है हमारी तो कंपनी रिप्लेसमेंट देती है। लेकिन ऐसा काम कभी मत करो, हमेशा हर प्रोडक्ट को आप चेक करके दो, क्योंकि क्या पता वो बंदे ने कहाँ पे यूज़ करना और उस टाइम पे उसका यूज़ का काम ही नहीं हुआ, उसके बाद तो उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत थी ही नहीं, तो फिर यानी कि आपका जो नाम होगा वो ख़राब हो जाएगा और आपका कस्टमर रिपीट नहीं होगा, ना ही कोई रिकमेंडेशंस होगी आगे। दूसरी टिप मैं आपको देता हूँ कि अपने कस्टमर्स के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनाओ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओ उन लोगों के साथ। जितना आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओगे उतना ही आपका जो होगा आगे चलता रहेगा बिजनेस। देखो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप कैसे बना सकते हो, पहला पॉइंट ये हो सकता है कि आप कस्टमर जैसे ही आपके पास आएँ तो आप हमेशा अच्छे से बात करें, कस्टमर से अच्छे से मिलें, घुल मिल के बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें, उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो अपनी दुकान में आया ना कि किसी और की। तो ये वाली जो फीलिंग होती है ये बहुत ही कम लोग करते हैं, आपने खुद देखा होगा शॉप्स वगैरह में तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो ऐसे डील करते हैं कस्टमर से, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको वो एकदम आपके दिमाग पर चढ़ जाएंगे वो लोग। दूसरी मैं आपको टिप देता हूँ कि आप अपने जो नए कस्टमर हैं जो थोड़ा सा रिस्क समझ रहे हैं आप में, ठीक है उनका आप रिस्क दूर कर सकते हैं। कैसे, अगर हम उसी चाउमीन वाली मार्केट की बात करें तो हमारी जो 6 शॉप्स थी उनमें से जो मेरी शॉप थी जो मैं मोमो की खोल चुका हूँ और मोमो की मैंने खूब सारी वैरायटी डाल दी है, तो कुछ लोग आना शुरू हो गए हैं, एक तो मोमोज़ की वैरायटीज़ देखकर और एक कुछ डिस्काउंट देखकर अब काफ़ी लोग आने लग गए, तो अब उन्हें मेरे पर विश्वास कैसे होगा। तो मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपने ऑलरेडी कस्टमर्स की टेस्टिमनी लगा सकता हूँ, यानी कि मैं उन सबको दिखा सकता हूँ कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, या तो मैंने जो टेबल्स लगाई हुई हैं जहाँ पे लोग बैठ के खाएंगे उन टेबल के नीचे मैंने एक रूल मतलब नैपकिन पे हर किसी ने अपना एक वो रिव्यू दिया हुआ है मेरे शॉप के बारे में कि, और सबने लिखा हुआ है वाओ वेरी टेस्टी मोमोज, किसी ने लिखा हुआ मेरा फेवरेट अचारी है, वेरी नाइस, ये वो, ऐसे लोगों ने अपनी अपनी टेस्टिमनी लगा रखी है यानी कि रिव्यू दे रखा है मेरी शॉप का। तो उससे आपके जो नए कस्टमर्स होंगे उन पर विश्वास बनेगा कि हाँ यार बहुत अच्छी सर्विस है, और इस चीज़ को आप अपने भी बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। समझिए आप कोई पॉपकॉर्न बनाने की मशीन बेचते हैं, तो आपके पास कोई कस्टमर आया तो आप उसको क्या करिए, टेस्टिमनी दिखाइए, उसको उठा के ले जा लीजिए, या तो ऑलरेडी आपकी जहाँ पे मशीन लगी हो पॉपकॉर्न की तो आप देखिए उस पर मिलवाइए उस बंदे से, वो कहेगा वहाँ बहुत अच्छी मशीन है, ये है वो है, या फिर समझिए अगर आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं तो आप लोगों की फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं, देखिए मैंने इनको इंश्योरेंस बेचाया कितने हैप्पी हैं, या लोगों का लेटर दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, वॉइस मैसेज दिखा सकते हैं कि हाँ आपके कस्टमर्स अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आपकी सर्विस से, तो सामने वाला भी आप में इंटरेस्टेड हो जाएगा और आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा और आपको रेकमेंड करना शुरू कर देगा और आपकी खुद की रेकमेंडेशन सर्कल बन जाएगा और बहुत ही बड़ा सर्कल बन जाएगा। हाँ फिर आपकी दुकान में भी भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी जैसे कि आपके सामने वाली दुकान पर लगती है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर करें, चाहे वो WhatsApp हो या Facebook हो, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स हमारी नई इनविजिबल बाबा की ऐप भी आ चुकी है, आप अपने फ़ोन से ही अब हमारी सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर इनविजिबल बाबा सर्च कर सकते हैं, या फिर हमने लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप टोटली फ्री है। और अगर आप में से किसी को मुझसे पर्सनली बात करनी हो, फोन कंसल्टेशन लेनी हो, तो आप अब मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू। इस ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया हुआ है, आपको बस क्या करना है उस ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फोन में और सर्च कॉलम में जाकर इनविजिबल बाबा सर्च करना है और वहीं से आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हाँ अपना वॉलेट बैलेंस जरूर चेक कर लीजिएगा कॉल करने से पहले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।